भाजपा की नेत्री कोई मुझे नहीं पता रहाटकर है कि क्या है क्या नहीं, वो जिस लैंग्वेज में और जिस स्टाइल में बात कर रही थी और यहां के लोकल लोगों को जो आतंक कह रही है, आतंकवादी मतलब यहां के जो आदिवासी नेता थे, यहां की जनता है, बहुल आदिवासी विस्तार वर्षों से इतना स्थानिक समाज हमारा है, वो आतंक फैला रहे थे। 8 साल से तुम्हारी सरकार है, कितने लोग यहां पर आतंकवादी घोषित किए, और ये जो भाषण जो उसकी स्पीच जो लैंग्वेज चल रही थी, यहां के लोग, यहां के लोकल लोग, लोकल मतलब क्या, यहां के आदिवासी समाज, यहां के स्थानीय समाज, मतलब तुमको आप इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये जो अदर स्टेट के जो वही वोट चाहिए, मतलब लोगों इनके जो बीजेपी की जो मानसिकता है पूरे समाज को तोड़कर ये लोग दिखा रहे हैं कि ये लोकल लोग, इनकी जिस लैंग्वेज में आप देख लेना कि यहाँ के लोकल लोग, यहाँ के लोकल लोग मतलब क्या, यहाँ के बाहुल आदिवासी विस्तार है, आज भी है 65-70% आज भी आदिवासी समाज है, यहाँ का आदिवासी समाज, यहाँ स्थानीय समाज, लोकल मतलब यहाँ पर वो आतंकवादी है। तो ये इनके इसके ऊपर मैं बहुत ही ये जो विजय राठकर जी है, यहाँ के आदिवासी समाज, यहाँ के लोकल लोगों के ऊपर पर जो टिप्पणी की है, इनको माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो कहा है यहाँ के वनवासी, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं, वनवासी कहने वाला जो भी ऐसा कोई व्यक्ति किसी भी पार्टी पक्ष का होगा, वो उनका बाप वनवासी होगा, वे आर द आदिवासी, यहाँ के आदिवासी समाज है, हम वनवासी नहीं है, वनवास में कोई भी आके रहेगा वो तो आपके चंद्र माध्यम, ये अपमानजनक शब्द जो किया उन्होंने, इसके ऊपर इनको माफी मांगनी चाहिए। तीसरी बात, यहाँ के जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो बार बार कह रहे हैं अपने स्पीच में आदिवासी 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 आदिवासियों आदिवासी आदिवासियों, मतलब क्या आदिवासी समाज बोलो आप, अगर रजपूत 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 बोलेंगे तो रजपूत समाज बोलना चाहिए, अगर ब्राह्मण समाज के बारे में बोलते तो ब्राह्मण समाज बोलना चाहिए, एक आदिवासी आदिवासियों, ये जो छोटी सोच छोटी जो मानसिकता है इनकी, ये बीजेपी की जो समाज तोड़कर जो राजनीति करना चाहते हैं ये सामने आ रही है, इनकी सोच इतनी गंदी सोच है। और आने वाले समय में ये माफी नहीं मांगते हैं तो ये विजय राठकर का पुतला जलाएंगे हम, उसका उग्र विरोध और उग्र आंदोलन भी करेंगे इस चीज को पर, और उसके ऊपर माफी मांगनी चाहिए। यही बात है, ये चीज सामने आपके सामने मैं रख रहा हूं। और आने वाले समय में, आने वाले अगले हफ्ते में 15-15 दिन में बहुत बड़ी चीजों को लेकर हमने इस चीज को खुलासा करने जा रहे हैं, बहुत जल्द हम घोषणाएं करने वाले हैं आंदोलन के लेकर। और मैं चाहता हूं कि मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, आज दादा नगर भी कठिन समय में गुजर रहा है, हम आशा करते हैं कि आप लोग हमें साथ और सहयोग दें, ऐसी प्रार्थना है।